जुखाला में चल रहे सैर मेले के समापन पर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा विजय अग्निहोत्री ने मेले में लगे प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और अपने संबोधन में कहा कि दाविंग घाटी किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों के लिए जानी जाती है। इस घाटी में एक से बढ़कर एक मेहनती किसान, बागवान और पशुपालक है। इसी क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कहीं लगे हैं तो वे दाविंग घाटी में लगे हुए हैं। उन्होंने मेला आयोजकों को मेले के सफल आयोजन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मेले में जो किसानों व बागवानों ने प्रदर्शनियां लगाई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि असल में प्रदर्शनियां हैं नहीं तो बड़े बड़े मेले में प्रदर्शनियां लगती हैं, पर उनमें ऐसे उत्पाद नहीं होते। यहां पर जो प्रदर्शनियां लगी हैं, उनमें हर किस्म के उत्पाद हैं और इन उत्पादों से ये प्रदर्शनियां भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मेला समिति अच्छे बागवानों, किसानों तथा पशुपालकों को इनाम देकर सम्मानित कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। इनाम प्राप्त कर किसान, बागवान तथा पशुपालक अपने काम के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे, अन्यथा आज के दौर के बच्चों को अपने खेतों तक का पता नहीं है। इससे पूर्व श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा ने उनका यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। मेला समिति ने मुख्य अतिथि को टोपी, शॉल तथा समिति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रणधीर शर्मा ने पिछली सरकार के समय इस क्षेत्र से बंद हुए बस रूटों को दोबारा बहाल करने की मांग की। मुख्य अतिथि ने मार्कंडे से शिमला के लिए नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा रणधीर शर्मा को भरोसा दिलाया कि जल्द वे बंद हुए सभी रूटों को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि एचआरटी के पास स्टाफ की कमी थी। पिछली सरकार में ढाई ढाई महीने के लिए ड्राइवर व कंडक्टर रख कर काम चलाया जा रहा था। जयराम सरकार ने अभी ड्राइवरों की भर्ती कर दी है तथा जल्द ही अब कंडक्टरों की भर्ती भी की जाएगी, जिससे एचआरटीसी में स्टाफ की चल रही कमी दूर हो जाएगी और स्टाफ आने के बाद सभी पुराने रूटों को बहाल कर नए नए रूट भी चलाए जाएंगे। मुख्य अतिथि ने दाविंग घाटी के उत्कृष्ट किसानों, बागवानों, पशुपालकों तथा खिलाड़ियों को इनाम देकर सम्मानित किया। वो मेला समिति को अपनी तरफ से मेले के सफल आयोजन के लिए 21,000 रुपए की घोषणा की। मत्स्य विभाग के कर्मचारियों और मत्स्य सहकारी सभा बिलासपुर के पदाधिकारियों ने गोविंद सागर किनारे लूनू मैदान को चकाचक किया है। निदेशक व सहायक निदेशक मत्स्य विभाग बिलासपुर सतपाल मेहता व श्यामलाल की अगुवाई में कर्मचारियों ने मैदान में पड़ी गंदगी को हटाया और कूड़े कचरे को एकत्रित कर ठिकाने लगाया। निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि लूनू मैदान में गंदगी का साम्राज्य कायम था, जिसे हटाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ ही मत्स्य सहकारी सभा के पदाधिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया। भविष्य में भी व्यवस्था को सुचारू रखा जाएगा और समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने जनता से भी अपील की कि सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखें ताकि बिलासपुर स्वच्छ बन सके। अगस्त 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बिलासपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी गई थी, जिसको लेकर 12 करोड़ की धनराशि पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी की गई थी, मगर आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इस ऑडिटोरियम को मंडी शिफ्ट किया जा रहा है। ये कहना है बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंबर ठाकुर का। बिलासपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान बंबर ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बिलासपुर के साथ अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय ऑडिटोरियम निर्माण की दिशा में कोई भी कदम न उठाने और इसे मंडी शिफ्ट करने की बात कही है। साथ ही बंबर ठाकुर ने पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
जेपी नड्डा से मामले का संज्ञान लेने की भी अपील की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बंबर ठाकुर ने आगामी एक सप्ताह के भीतर इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिलासपुर की सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्र शुरू होने वाले हैं, लेकिन विकास कार्य ठप पड़े हैं। यहां मुख्यतः पिछले 5 माह पहले मंदिर मार्ग पर एडीबी द्वारा कैनोपी लगाने का कार्य शुरू किया गया था, पर आज तक ये पूरा नहीं हो पाया है। वहीं पुराना मंदिर मार्ग भी एक वर्ष से टाइलों की आस में उखड़ा हुआ है, जिसे आज तक रिपेयर नहीं किया गया है। अब एडीबी द्वारा मुख्य मंदिर मार्ग को खोदा जा रहा है ताकि इस पर इंटरलॉक टाइल लगाई जा सके, जबकि नवरात्रों को केवल 9 दिन बचे हैं। अगर 9 दिन में कार्य पूरा न हो पाया तो श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो सकती है। इन सब के कारण स्थानीय दुकानदारों में भी भारी रोष है। जिसकी वजह से दुकानदार प्रतिदिन धूप व बारिश का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नवरात्रों से पूर्व जल्द कार्य समाप्त कर लिया जाए, अन्यथा सर्दियों में ये कार्य किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और कैनोपी का कार्य भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कछुआ चाल कार्य से उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। SDM अंकुश शर्मा का इस बारे में कहना है कि कुछ कार्य एडीबी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। एडीबी के जेई को आज बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी कार्यों को नवरात्रों से पहले खत्म कर दे। एडीबी जेई को पिछले नवरात्रों में ही निर्देश दिए गए हैं कि कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले नवरात्रों से पहले इन कार्यों को खत्म किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इन नवरात्रों से पहले ये सभी कार्य खत्म कर दिए जाएंगे।